नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल का आईपीओ। ये नाम से ही पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है और मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या मैन्युफैक्चर करती है और अंत में हम इसका रिव्यू भी देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक ताकि आप पता लगा सके इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सके। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 2009 में। ये कंपनी एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करने में। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एलईडी लाइट्स और एलईडी लाइटिंग एसेसरीज और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडोर और आउटडोर एलईडी लाइट्स दोनों ही मैन्युफैक्चर करती है। और वसई में जो इनका प्लांट लोकेटेड है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इनका एलईडी ड्राइव्स भी बनाती है और ये थर्ड पार्टी से भी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। जैसे कि ये थर्ड पार्टी से एलईडी बल्ब्स मैन्युफैक्चर करवा लेती है और ये डायरेक्ट ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को डिलीवर कर देती है और तभी अपना वो ब्रांड नेम उसका जो स्टैम्प है वो लगा के कस्टमर और रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देती है। देखा जाए तो कंपनी का जनवरी 2019 से 32 एम्प्लॉइज़ है और 11 कॉन्ट्रैक्टर्स है और कंपनी का एम्प्लॉइज़ आरएनडी में भी इन्वॉल्व है। इनके दो लोग ऑलरेडी आरएनडी में इन्वॉल्व है। और देख लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी क्या है। तो कंपनी का दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली कैटेगरी है इंडोर और दूसरी कैटेगरी है आउटडोर। तो जो इंडोर लाइट्स मतलब के घर के अंदर यूज़ की जाती है उसको इंडोर बोला जाता है और घर के बाहर जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह वो सब है उसको आउटडोर लाइट्स बोला जाता है। तो लाइटनिंग एंड आउटडोर लाइटनिंग्स। तो इनका प्रोडक्ट लाइन कंपनी का इंक्लूड करता है एलईडी पैनल लाइट्स, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी डाउन लाइट्स, एलईडी सरफेस डाउन लाइट्स, पेंडेंट डाउन लाइट्स, एलईडी स्पॉट लाइट्स, एलईडी बैटन लाइट्स, एलईडी आर्किटेक्चरल लाइट्स, एलईडी फोकस लाइट, एलईडी बल्ब्स। तो ये लोग बल्ब्स भी बनाते हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड अपना सोलर चार्ज कंट्रोलर में भी है। सोलर पावर्ड एलईडी बैटन लाइट्स, सोलर पावर एलईडी डाउन लाइट्स, सोलर पावर्ड एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, सोलर पावर्ड एलईडी बल्ब्स, सोलर पावर्ड फैंस, सोलर पावर्ड एलईडी लालटेंस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि सोलर में भी इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ रेंज है। आइए देख लेते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है। तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वसई में है और वहाँ पे मेन सप्लाई जो भी प्रोडक्ट है उनका ओईएम को होता है, फर्दर वहाँ से सेलिंग और ब्रांडिंग के लिए जाता है। तो कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2018 से कंपनी का सेलिंग एलईडी लाइट प्रोडक्ट और अदर लाइट एसेसरीज का 5241.26 लाख रुपीस का इन्होंने एलईडी एसेसरीज और सेलिंग ऑफ एलईडी लाइट्स का रेवेन्यू 31 अक्टूबर 2000 में हो गया है। और इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है मतलब कि डिस्टिंक्स बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग रेवेन्यू में इन्होंने कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है। आइए देख लेते कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल। इसमें हम टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी 2016-17-18 में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते टोटल एसेट्स 31 मार्च 2016 में 1378.89, 31 मार्च 2017 में 1969.07, 31 मार्च 2018 में 6732.59, 31 अक्टूबर 2018 में 6484.70। टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं 31 मार्च 2016 में 4531.21, 31 मार्च 2017 में 4723.87, 31 मार्च 2018 में 8947.63 और 31 अक्टूबर 2018 में 5241.26। तो ये हमने देख लिया टोटल रेवेन्यू। अब बचा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 31 मार्च 2016 में 154.76, 31 मार्च 2017 में 177.04,
ये भी बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है। 31 मार्च 2018 952.90, बेहतरीन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 में अच्छा रहा है। अभी तक 31 अक्टूबर 2018 में 592.75। आइए देख लेते हैं IPO की डिटेल्स। तो ये IPO ओपन हो रहा है 24 अप्रैल 2019 को और ये ख़त्म हो रहा है 30 अप्रैल 2019। और इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू IPO। इशू का साइज है 7000000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब कि इसका फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर्स रहेगा। इशू प्राइस है 55 से लेकर 60 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स और मार्केट लॉट है 2000 शेयर्स। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 2000 शेयर्स और ये लिस्टिंग रहेगा दोनों ही प्लेटफॉर्म पे BSE और SME। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पैसा लेके ये कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आइए देख लेते। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा उठाना चाहते हैं मार्केट में, और दूसरा उनको परचेस करनी है मशीनरी और इक्विपमेंट में, और तीसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी ये पैसा यहाँ पे यूज़ करेंगे। टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट देखने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सके। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ मुझे एक लाइक तो दीजिए, थैंक यू वेरी मच। चलो आइए देख लेते हैं IPO के टेंटेटिव डेट और टाइम टेबल। तो बिड ओपन हो रहा है 24 अप्रैल 2019 को और ये क्लोज हो रही है बिड अप्रैल 30, 2019, और फाइनलाइजेशन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा मई 6, 2019 को, और इनिशियलाइजेशन ऑफ रिफंड मतलब कि आपके खाते में पैसा मई 8, 2019 को आ जाएगा, और क्रेडिट ऑफ द शेयर्स टू डीमैट अकाउंट आपके डीमैट खाते में अगर आपको पैसा मतलब शेयर्स लगे है तो फिर मई 10, 2019 में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा शेयर्स, और IPO शेयर्स लिस्टिंग डेट होगी मई 13, 2019। आइए देख लेते हैं प्रमोटर कंपनी के कौन है। तो है ये मिस्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल और यश विक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये भी दोनों प्रमोटर ऑफ द कंपनी है। आइए देख लेते हैं IPO के रजिस्ट्रार कौन है। केमियो कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनका एड्रेस है सुब्रमण्यम बिल्डिंग 1 क्लब हाउस रोड चेन्नई 600002 इंडिया। फ़ोन नंबर है 04428460390। ईमेल आईडी है cameo@cameoindia.com। वेबसाइट है www.cameoindia.com। कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये है आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, आर्टेमिस कॉम्प्लेक्स, गाला नंबर 105108, नेशनल एक्सप्रेस हाईवे वसई ईस्ट, थाने 401208, महाराष्ट्र इंडिया। फ़ोन नंबर है 7875315577। ईमेल आईडी है contactcity@artemiselectricals.com और ये वेबसाइट है www.artemiselectricals.com। माई व्यू देखने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सके। और ये सब्सक्राइब करने में YouTube वालों ने कोई पैसा नहीं रखा, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं तो अपना जो भी चैनल है उसके अंदर नए नए NCDs है, IPO है, SME है, सब उसके ऊपर रिव्यू लाता रहता हूँ और आपको कमाने के मौके ढूंढ के देता हूँ। इनका जो रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसके अंदर जो भी इनका अर्निंग है प्रीवियसली तो वो पूरा इशू के हिसाब से वो फुल्ली प्राइज्ड है। अभी आगे और ये कंसर्न है कि ये सस्टेन ग्रोथ रहेगा कि नहीं, क्योंकि इनका फुल्ली प्राइस है और आगे ग्रोथ कैसे हो पाएगी, और ये इनका सरप्लस जिसके पास है और ये रिस्की इन्वेस्टर ही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। आप अपने ही रिस्क पे ये IPO पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैं तो बोलता हूँ ये IPO आप फुल्ली अवॉइड कर सकते हो। आपकी राय क्या है जरा मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ मुझे बताइए आप ये IPO सब्सक्राइब करने वाले हैं कि नहीं। मैं हूँ निकुंज और ऐसे ही IPO के रिव्यू लेके आता रहता हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा रिव्यू अंत तक देखने के लिए।